क्लास नाइन्थ साइंस में ध्वनि चैप्टर या साउंड के अंतर्गत एक प्रसिद्ध प्रयोग है बेलजार का प्रयोग। आइए इसे समझते हैं। वास्तव में बेलजार के प्रयोग में हम यह दर्शाते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ये कि बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ये प्रयोग है बेलजार का प्रयोग। तो यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमें उसके उत्तर में लिखना है बेलजार के प्रयोग द्वारा। अन्य भी कई तरीके से हम कर सकते हैं, पर हमारी एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में जो प्रयोग दिया है वो है बेलजार का प्रयोग। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि हमने कांच का एक वायुरुद्ध जो है बेलजार लिया हुआ है। ये देखिए रेड से मैंने इसका जो आउटलाइन डाली हुई है, ये एक बेलजार है और इसमें चित्र अनुसार ये एक विद्युत घंटी को लटकाया गया है, ठीक है। और बेलजार को यहाँ से निर्वात पंप से जोड़ दिया गया है और यहाँ ये देखिए यहाँ एक विद्युत स्रोत है और ये स्विच है। और इस स्विच की मदद से क्या होता है कि जब विद्युत घंटी को बजाना होता है तो इस स्विच को ऑन कर दिया जाता है, विद्युत घंटी बजने लगती है, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट है। अब क्या है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम जरूरी है या नहीं ये चेक करना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे यहाँ से ये स्विच ऑन करेंगे तो ये घंटी बजेगी और जब घंटी बजेगी तो हमको क्या होगा, सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि बेलजार के अंदर क्या है, वायु भरी हुई है, ठीक है ना। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हमारा हुआ, शुरू में हम विद्युत घंटी के स्विच को जब दबाएंगे तो घंटी की ध्वनि हमको क्या है, अच्छे से बढ़िया अच्छी सुनाई देगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस निर्वात पंप की मदद से धीरे धीरे जो है इस बेलजार की वायु को क्या करेंगे, बाहर निकालते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम बेलजार की वायु को बाहर निकालते जाएंगे क्या होगा, वायु को जैसे जैसे हम बाहर निकालते जाएंगे हम एक बड़ी मज़ेदार बात ये देखेंगे कि हमको इस घंटी की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, जो हम बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं, वो हमें कम सुनाई देगी। मतलब अब निर्वात पंप को हमने अगर चलाया और बेलजार में भरी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला तो घंटी की जो ध्वनि है वो हम सुनते जाते हैं, परंतु वो घंटी की ध्वनि कैसी होती जाती है, वो धीमी होती जाती है। अब जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाएगी तो हमें बहुत ही धीमी ध्वनि सुनाई देगी, और अगर हमने बेलजार की सारी वायु को निकाल दिया तो हमें बिल्कुल भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्या इस बात से हमने क्या समझा, इस बात से हमने ये समझा कि बेलजार के प्रयोग से हमने ये समझा कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर वायु है, इसलिए इस वायु के माध्यम से हमें ध्वनि सुनाई दे रही है, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु है, जल है, स्टील है आदि की आवश्यकता अवश्य होती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में होकर नहीं चल सकती। धन्यवाद।